श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जैसे जब हमारे पुराने वस्त्र फट जाएं तो हम नए वस्त्र लेते हैं, उसी प्रकार जब हमारा शरीर भी पुराना हो जाता है, इसे रोग लगने लगते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही जल से भिगोया जा सकता है और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा अखंडित तथा अगुलनशील है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी तथा स्थिर है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। ये जानकर आपको शरीर के लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए। आप भी दुख में बहुत ज्यादा दुखी और सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसे देखकर अगर मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ और अगर मैं दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो मंत्री ने उन्हें एक अंगूठी दी, उस पर लिखा था कि ये समय बीत जाएगा। अब जब वो राजा दुखी होता था तो वो उस अंगूठी को देखता था और कहता था कि ये समय बीत जाएगा, तो वह खुश हो जाता था। और जब वह बहुत खुश होता था तो वो उस अंगूठी को देखता था और कहता था कि ये समय भी बीत जाएगा, तो वो फिर दुखी हो जाता था। इसीलिए हमें दोनों परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख तथा दुख सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।